हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी मेरी इस वीडियोस को, जो भी मेरे चैनल को फॉलो करता होगा, आज उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। 10% तक के प्रॉफिट आपने विद इन 2 वीक कमाए होंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऐसे ऐसे शेयर जो अभी भाग रहे हैं, तो न्यूज़ पे आप देख रहे होंगे, उनके बारे में अब बता रहे हैं। बट मैंने आपको ये शेयर तब रिकमेंड किए थे जब ये गिर रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि इन शेयरों को एक्यूमुलेट करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बहुत कम टाइम में, मैंने आपको बता ही दिया था, 1 से 2 महीने में तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ही होगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है। मैंने आपको विप्रो सजेस्ट किया था, मैंने आपको SCL सजेस्ट किया था, मैंने इन्फोसिस, TCS, डिविस लैब, जो अगर फार्मा की बात की जाए, इपका लेबोरेटरी मैंने आपको सजेस्ट किया था। FMCG की बात किया जाए तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको 2270 के आसपास आपको बताया था कि आप इसे एक्यूमुलेट करिए। ब्रिटानिया की बात करूँ तो ब्रिटानिया मैंने आपको कब बताया था? ब्रिटानिया मैंने आपको बताया था 3200 के लेवल पर। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही शेयर, एशियन पेंट्स मैंने आपको बताया था बहुत, जब ये नीचे गिर रहा था 2200-2300 तक आया था, तो इस तरीके के शेयर ही मैंने आपको बताए थे, टेक महिंद्रा बताया था। तो ऐसे शेयर को आपको एक्यूमुलेट करना था, और जिन्होंने भी एक्यूमुलेट किया होगा, 10% का प्रॉफिट अच्छा खासा उन्हें मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में। ओके, और इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास हमेशा लाता रहता हूं, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो उन्हें भी फ़ौरन तौर पर मिलती रहे, और वो भी इसी तरीके की नॉलेज हमें खुद इन हमारी वीडियो से लेते रहें, और इस तरीके से आगे बढ़ते रहे। और हमें एक, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि हमें एक फैमिली क्रिएट करनी है लैक्स ऑफ पीपल की, ताकि वो एक हमारा चैनल बना सके, हम एक बड़ा नेटवर्क बना सके, और एक दूसरे के साथ नॉलेज एक्सचेंज कर सके, ताकि हमारा ये चैनल तो ग्रो हो ही हो, एज़ वेल एज़ हमारी नॉलेज भी ग्रो होती रहे। तो इसी से रिलेटेड हमारी वीडियो आजकल होती रहती है। तो देखिए, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, एज़ वेल एज़ श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने ऐसे ऐसे स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे कि जो कि अच्छे खासे लेवल पर आपको नीचे लेवल पर दिलाए थे, और आपने खरीदे होंगे तो 10-10% का प्रॉफिट, 12-12% का प्रॉफिट आपको विद इन 1 मंथ हुआ होगा डेफिनेटली। अगर आपने बाय ऑन डिप्स भी किया होगा, स्टिल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर बट हमारा एक शेयर इनमें ऐसा था कि जो अभी नहीं चला है, ओके, वो चला भी था, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि नहीं चला है, क्योंकि मैंने आप जब बताया था उसके बाद वो तेजी से भागा भी था, आपको 10-12% के रिटर्न दिए भी थे, बट उसके बाद कंटिन्यूसली वो शेयर गिरता रहा है। उसी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के बताना चाहता हूँ कि वो शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आपको बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें कौन सा शेयर है, तो ये शेयर है InfoEdge। तो InfoEdge की हम बात कर रहे, जिसे हम नौकरी के नाम से भी जानते हैं, और naukri.com जो कि मार्केट में एक वेबसाइट भी है, उसी से इसे जाना भी जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये 4257 रुपए का शेयर है, और एक महीने की बात करें तो लगभग ये 5600 के आसपास ये शेयर चलता था, उसके बाद से यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट, अगर बात करें अच्छी खासी का मतलब अच्छी खासी गिरावट, 15-16% की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है, और मैंने भी यहाँ पर ले रखे है शेयर, और यहाँ पर अच्छे खासे मेरे को भी लॉस हो रहा है, बट कोई इशू नहीं है, मुझे पता है इस शेयर की कीमत क्या है। आज लॉस हो रहा है तो ये शेयर मुझे कल प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा, और वो भी बेहतरीन क्यों देता हुआ नजर आएगा, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो अगर देखेंगे 3 बजे ये शेयर अच्छा खासा चल रहा था, बट उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली 20 मिनट तक, ओके, यहाँ पर बिकवाली चलती रहा, और लगभग ये शेयर 8 से 9% गिरा, बट उसके 10 मिनट बाद लगभग 4% यहाँ पर उभर भी गया है शेयर। तो आपको बताना चाहता हूँ ये सिंपली लोगों के अंदर जो डर होता है ना, उसकी वजह से ये शेयर गिरा है, और कुछ यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी शेयर में छेड़खानी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूज़ होती है इंटरनली, तो वो चुपचाप शेयर को बिचवाने का काम करते हैं, और खुद भी बेच देते हैं ताकि लोग और डर के मारे बेच दें, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर बेच दिया होगा, और उन लोगों ने यहाँ पर खरीदना शुरू कर दिया होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे शेयर नहीं बेचा करते, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है, स्पेशली मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, दोबारा बनानी पड़ रही है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर का टारगेट 10,000 रुपीज़ है। क्यों है इसका टारगेट 10,000 रुपीज़, मैं आपको अब वीडियो में बताता हूँ। और अगर यहाँ पर देखिए तो कोई भी शेयर इनके पास गिर भी नहीं है, 38% के शेयर इसका
कंपनी के पास है, और यहाँ पर बात करें FIDIS की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40% की हिस्सेदारी तो FIIs की है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और डिविडेंड कंपनी तीन तीन बार डिविडेंड दे रही है, 2019 में 20 में आपको डिविडेंड दिया जहाँ पर कंपनी लॉस में थी, यहाँ पर लोग ये दूसरी कंपनी तो ये कंपनी आपको डिविडेंड दे रही थी लगभग 40% शेयर, लगभग 2,12,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। बस यहाँ पर क्या देख के कि शेयर गिर रहा है, 52 वीक हाई की बात करें तो यहाँ पर 5800 रुपये तक ये शेयर 6 जैन को गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट है, ऊपर गया नीचे गया, वॉलेटाइल शेयर ऑलरेडी है ही है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर शेयर थी, यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर लास्ट मिनट में बिकवाली होती हुई हमें साफ दिखाई दे रही है। ओके, और ये शेयर देखें यहाँ से कंटिन्यूसली गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट ये शेयर मुझे क्या लगता है, ये देखिए ये लेवल तो मुझे लगता है कि इसका अभी रिजल्ट आने वाला है, तो विद इन वन मंथ, ओके विद इन वन मंथ, एक से एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पर अगर अप्रैल की बात करूँ, अप्रैल या मई में यहाँ पर आपको ये लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, इसके अलावा और भी तेज भागता हुआ शेयर नजर आएगा। इसके कुछ फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो मार्केट कैपिटल देख लीजिए, लार्ज कैप कंपनी है, 57,58,000 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। ओके, और बात करें यहाँ पर कंपनी के पास ना के बराबर डेट है, और अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ ही रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं March 3, 28 करोड़ रुपीज़ की सेल, बट यहाँ पर इसे यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इशू था ना, यहाँ पर पूरा इशू आपको दिखाई दिया है पेंडामिक का, क्योंकि इनके जो बिज़नेस है वो मार्केट से बिजनेस रिलेटेड बिजनेस है, और जब मार्केट कंप्लीटली बंद थी तो इस वजह से यहाँ पर ये शेयरों का बिजनेस नहीं हो पाया, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सेल्स नहीं हो पाई। अगर बट फिर भी प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर में 679 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमा के दिया है, जो कि हाईएस्ट एवर है पूरे सबके सब ईयर क्वार्टर्स में। सेल्स की बात की जाए, फिर सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे दे सकते हैं 256 करोड़ रुपीज़ की सेल, यहाँ पर अगर पिछले 12 महीने की पेंडामिक को भी इंक्लूड कर दे तब भी 1151 करोड़ रुपये की सेल है, तो इस चीज़ को बताता है कि कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, जो कि हर साल अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती आई है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर पिछले जब मार्च के क्वार्टर में यहाँ पर देखें March 2020 में 238 करोड़ का लॉस किया था, तो अभी इन्होंने पिछले 12 महीने 1220 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। तो इस चीज को आप समझिए और इस चीज को जानिए कि 57 करोड़ का प्रॉफिट 10 साल में 1220 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में तब्दील हो गया है, तो कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है। कंपनी इज मेकिंग बिजनेस, कंपनी इज मेकिंग रेवेन्यू, कंपनी इज अर्निंग मनी, सो इस चीज को ध्यान दीजिए। रिजर्व्स देखिए, 295 करोड़ के रिजर्व्स अभी देखिए 4,335 करोड़ के रिजर्व्स में बदल गए हैं। बोरोइंग बिल्कुल ना के बराबर 69 करोड़ रुपीस की, जो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल की डेट में भी चाहे तो कल की डेट में चुका सकते हैं। और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो 1242 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें तो कैश भी लगभग 2000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, तो और क्या चाहिए, ऐसी कंपनी में ही इन्हीं वैल्यू को देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्हीं वैल्यू को देखते हुए बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। FIIs देखिए, FIIs कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, 40% की हिस्सेदारी, ओके यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 38% है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास ना के बराबर शेयर है 4% के, क्योंकि यहाँ पर HNI जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने ही 4% की होल्डिंग यहाँ पर खरीद रखी है। और DIS की बात करें तो वो भी 11% की होल्डिंग रखते हैं, तो ऐसी कंपनी को नहीं बेचा करते क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें InfoEdge की तो यहाँ पर आप देख लीजिए विकिपीडिया का पेज है, Naukri.com में इनकी हिस्सेदारी है, Matrimonial जो शादी की जीवनसाथी.com में इनकी हिस्सेदारी है, 99acres.com इनकी हिस्सेदारी है, शिक्षा.com में इनकी हिस्सेदारी है, यूनिकॉर्न में इनकी हिस्सेदारी है, पॉलिसी बाजार में 15% की, और जोमेटो में 22% की हिस्सेदारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों को दोनों जो कंपनी है ना, पॉलिसी बाजार और जोमेटो, दोनों अपना IPO लाने जा रही है बाजार में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जोमेटो अब नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहा है IPO के फिलिंग के लिए, तो इस तरीके से करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि सितंबर तक ये IPO मार्केट में आ सकता है, लिस्ट हो सकता है। और यहाँ पर अगर ये कंपनी लिस्ट होगी सितंबर तक तो आपको क्या लगता है 22% की हिस्सेदारी है, क्या ये शेयर यहाँ पर रहेगा? नहीं, ये शेयर जैसे ही मार्केट जोमेटो और पॉलिसी बाजार मार्केट में लिस्ट होंगे ये शेयर 10,000 रुपीज़ जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो कभी भी इस तरीके की गिरावट होती है तो आपको डर के बेचना नहीं है कि हमारा पैसे जा रहे हैं। देखिए मैं भी लॉस में इस शेयर में बैठा हुआ हूँ, बट स्टिल आई हैव बिलीव इन द कंपनी, जिस तरीके का ये बिजनेस कर
रहे हैं, जोमेटो बिजनेस करेगा, इनके पास पैसे आएंगे, ओके, पॉलिसी बाजार बिजनेस करेगा, इनके पास बिजनेस आएंगे, तो नेटवर्किंग से रिलेटेड इनका बिजनेस है, आईटी से रिलेटेड बिजनेस है, ओके, तो सारा का सारा इनका बिजनेस ऑनलाइन ही है, तो आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। Naukri.com सबसे ज़्यादा चलने वाली वेबसाइट है, जो कि इन्हीं की वेबसाइट है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देते हुए इस शेयर को बिल्कुल मत बेचिए, ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए ही मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि इस तरीके का जो मुझे लगा ना लास्ट में जो जिस तरीके की बिकवाली आई, तो यहाँ रिटेल इन्वेस्टर डेफिनेटली डर गए होंगे और उन्होंने यहाँ पर बेच दिया होगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, ओके। और कोई रिकमेंडेशन मेरा बाइंग और सेलिंग का नहीं है, बस सिंपली बताना चाहता हूँ बाय ऑन डिप्स करना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, जो कि बड़े बड़े लोग करते हैं। बाकी कुछ भी पोजिशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि यही आपकी स्टडी आपको आगे बढ़ाएगी और आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो हम लाते रहें और हमारा जो ये फैमिली है यूट्यूब फैमिली का है वो बहुत बढ़ जाए और एक दूसरे के साथ हम नॉलेज को एक्सचेंज करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।